हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द चैप्टर स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। सो हम लोग अभी बात कर चुके थे द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द विलेज पालमपुर, दैट वाज एन इमेजिनरी विलेज इन दिस चैप्टर। और मेन एक्टिविटी इस विलेज में क्या होती थी, कैसे जो ऑल वेदर रोड थी उसको कनेक्टिविटी दे रही थी नियर बाय एरियाज को, है ना। और उसके अलावा जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी और जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, अदर जो एलाइड एक्टिविटीज़ थी लाइक डेयरी वगैरह, तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पर चाहिए थे। तो मेनली हम लोगों ने जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो इनपुट्स हैं किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, वो हम लोगों ने स्टडी किए थे। मेनली देयर वर थ्री काइंड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल में भी हम लोगों ने इसमें पढ़ा था देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिजिकल कैपिटल। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकेंड वन इज द वर्किंग कैपिटल। फिर हम लोगों ने एक वन मोर यू नो एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी हैव स्टडीड, दैट वाज द ह्यूमन कैपिटल। कि अगर ह्यूमन को भी थोड़ा सा उसको नॉलेज दे दी जाए, एक क्वालिटेटिव एजुकेशन दे दी जाए, स्किल दे दी जाए, तो कैसे एक कॉमन ह्यूमन जो है, एक नॉर्मल पर्सन जो है, वो एक कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, जिसको मैन पावर या मैन पावर कैपिटल भी बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी में अगर आप स्किल दे देते हो किसी पर्सन को, उसका माइंड डेवलप हो जाता है, तो कॉन्सेप्चुअल जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, सोचने की जो मतलब उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत इनहांस हो जाती है। और वही डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसी पर्सन को ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। तो इंडिया जैसा देश है जहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है, तो वहाँ पर सारी ह्यूमन कैपिटल तो है नहीं, बट हाँ जितने भी जो हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक है, इसको अगर प्रॉपर एजुकेशन दे दी जाए, एक सही गाइडेंस दे दिया जाए, तो ये हमारा जो डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जो हमारे पास ये इतनी अच्छी पॉपुलेशन का रेशो है। क्योंकि अदर कंट्रीज में हम देखते हैं, जैसे जापानीज कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है, और हमारे यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है। तो अगर ये मिसलीड हो गए तो ये जो है बर्बादी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अगर इनको करेक्ट गाइडेंस बन गया तो देयर विल बी नो डिले इंडिया के लिए, दैट इंडिया विल लीड द ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया पूरी दुनिया को लीड करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इनको स्किल्स देना है, इनको नॉलेज देना है, इनको एजुकेशन देना है। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग बात करेंगे आगे के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ने दो फैक्टर्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, द लैंड एंड लेबर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिकल कैपिटल। तो देखिए, फिजिकल कैपिटल मैंने आपको बताया था, बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं हर स्टेज में, क्योंकि प्रोडक्शन के भी देखिए डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, मल्टी स्टेज यू नो प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को बनाने का, कि पहले उसको इसमें सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट किया, फिर और स्टेप में कन्वर्ट किया। तो वो डिपेंड करता है हम क्या चीज़ बना रहे हैं, किस चीज़ का, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उसका जो प्रोसेस होता है वो उतना ही लेंथी या शॉर्ट होता है। देन आते हैं अब इसमें फिक्स्ड कैपिटल आते हैं। तो देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल, वो एक्सपेंसेस जो करने ही करने होते हैं, वहाँ पर आप कुछ कम नहीं कर सकते, बिकॉज उनका नेचर फिक्स्ड है। लाइक रेंट आपको देना ही देना है, सैलरी आपको देनी ही देनी है ना। तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल्स होते हैं। मशीन आपको लेनी ही होगी, उसकी मेंटेनेंस भी देखिए आपको करानी ही होगी, तो इस टाइप के। देन अब जो टूल्स और मशीन्स होती है वो बहुत सिंपल से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स तक हो सकती है। और फार्मर्स का जो प्लफ वगैरह होते हैं, प्लफ वो जो यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, वो जैसे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होते हैं लाइक जनरेटर्स होते हैं, टर्बाइंस होती हैं, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स जो होती है प्रोडक्शन में, ये कई सालों तक चलती है, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए हम लोगों ने खर्चा कर दिया और फिक्स्ड हो गए, ये खर्चे करने ही करने हैं, यहाँ पर आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। देन आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वही जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जो रूटीन नेचर के खर्चे होते हैं, वो वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जैसे यार्न हो गया जो वीवर्स यूज करते हैं, क्ले हो गया जो पॉटर्स यूज करते हैं, ये सारे आपके वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। और कुछ मनी जैसे हो गया जो हमेशा चाहिए होती है प्रोडक्शन के टाइम पे, ताकि आप पेमेंट्स कर सकें, और कुछ भी नेसेसरी आइटम अगर आपको ऑन दे ना इन द मिड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस जरूरत पड़ जाता है, तो आप उसको परचेज कर सकें। मतलब आपके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना डेली लेवल पे जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। सपोज अगर कोई अचानक से ब्रेकडाउन आ गया, मशीन ने काम करना बंद कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे नहीं ये तो फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये तो मैं अगले साल ही कराऊंगा, क्योंकि आपका प्रोडक्शन यहाँ पर रुक रहा है, वो हैम्पर हो रहा है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, एट अ टाइम यू हैव टू टेक द डिसीजन टू मेंटेन और टू रिपेयर द मशीन. तो वो क्या हो गया, आपका वर्किंग कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया. तो रॉ मटेरियल्स और मनी जो होती है वो आपके वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाती है. देन फोर्थ रिक्वायरमेंट जो होती है प्रोडक्शन की, दैट इज द ह्यूमन कैपिटल. तो देखिए, अब ह्यूमन कैपिटल का हमने बताया था, अब पर्सन ऑल्सो नीड्स द नॉलेज. यस, नॉलेज जो होती है बहुत जरूरी होती है, और जो एंटरप्राइज होती है उसको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए. ठीक है, यानी जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका बिजनेस है, देखिए छोटा बड़ा बिजनेस, स्मॉल स्केल हो सकता है, मीडियम साइज हो सकता है, लार्ज स्केल बिजनेस हो सकता है, तो कोई से भी स्केल पे हो, बट अगर आपके पास नॉलेज है इनफ, आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, तो आप उसी बिजनेस को बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली लीड कर पाएंगे. लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है बिजनेस को चलाने की, तो चाहे कितना भी बड़ा एम्पायर आपको दे दिया जाए, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल ऑल द थिंग्स प्रॉपरली. ओके, देन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कुछ स्पेशल नॉलेज होती है जो मतलब जरूरी होती है, पास्ट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है वो भी, उसने भी कई इनिशिएटिव लिए हैं इन इम्प्रूविंग द नॉलेज ऑफ द फार्मर्स. यानी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, फार्मर्स को और एजुकेटेड बनाने में, यानी एग्रीकल्चरल जो नॉलेज है, एग्रीकल्चरल एजुकेशन देने के लिए काम कर रही है. जैसे मैं बताती हूँ, देखिए इंडिया में एक यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड में वो यूनिवर्सिटी पढ़ती है, उसका नाम है जीबी गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. प्रॉपर एग्रीकल्चरल फोकस्ड पे वो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की हुई है. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दैट यूनिवर्सिटी इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी. क्योंकि देखिए, इंडिया में भी जो यूनिवर्सिटीज हम देखते हैं, जो विश्वविद्यालय हम देखते हैं, वो सेंट्रल होते हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जहाँ पर जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो वहाँ के चांसलर होते हैं. ठीक है, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, जो स्टेट्स के गवर्नर्स होते हैं उसके चांसलर होते हैं, फिर आपकी डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है. लेकिन सबसे जो टॉप लेवल की होती है ना इंडिया में, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है. जैसे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज रहती हैं. तो ऐसे ही जो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत के नाम से, एग्रीकल्चरल एजुकेशन के लिए बहुत टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की. तो एग्रीकल्चरल नॉलेज देने के लिए वहाँ पर जितने भी जो रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो भी नई एनालिसिस होती है, उस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है. ठीक है, तो उसके बाद अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, तो हर प्रोडक्शन जो होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है इन सारे के सारे फैक्टर्स को कंबाइंड करके, लाइक लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइंड करके, और इन्हीं सबको मिला के हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, तो देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट दीज फैक्टर्स आर द ओनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इनके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करता है हम कौन सा आउटपुट बना रहे हैं, हम कौन सा प्रोडक्शन बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बेसिस पे हमको जो जो मटेरियल चाहिए होता है वो सब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में या इनपुट में आता है. बट ये जो हम लोगों ने चार फैक्टर्स पढ़े हैं, दे आर द मेन, ये बिल्कुल बैकबोन है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. अब हम बात करते हैं इन फैक्टर्स का क्या नेचर होता है. तो देखिए, जो फार्मिंग हो रही थी पालमपुर में, वहां पर जो लैंड था, लैंड हमेशा देखिए तो सबको पता है लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर होता है. मतलब अगर मेरे पास 1 square kilometer लैंड है तो मेरा वही लैंड है, उसके बाहर का जो आउटसाइड एरिया लैंड है वो मेरे जुरिस्डिक्शन में, मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा एरिया उतना कन्फाइन है, तो उसके बाहर के एरिया पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है. तो लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर होता है. ठीक है, फार्मिंग जो होती है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी था पालमपुर में. करीब जो 75% जो पीपल थे, इसको फोकस करिएगा, 75% ऑफ द पीपल ऑफ द पालमपुर, ये जो वर्क कर रहे थे वो किस पे डिपेंड करते, फार्मिंग पे डिपेंड थे अपनी लाइवलीहुड के लिए. दे कुड बी फार्मर्स या वो फार्म लेबर्स थे. देखिए, अब वो कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास अपना लैंड हुआ करता था, और कुछ फार्मर्स ऐसे थे जो फार्म लेबरर्स थे, मतलब दूसरों के फार्म पे, दूसरों के खेतों में काम करते थे, लेबर के तरीके से काम करते थे. तो ये एक बेसिक कॉन्स्ट्रेंट था इन रेजिंग द फार्म प्रोडक्शन. तो अब देखिए, जब हम कोई काम अपने लिए करते हैं तो वो अलग होता है, और जब हम वही काम किसी दूसरे के लिए करते हैं तो कुछ डिफरेंस आ जाता है. तो जब फार्म प्रोडक्शन किसी और के लिए हम करते हैं तो वहां पर भी ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा. लैंड एरिया जो था अंडर कल्टीवेशन में वो प्रैक्टिकली फिक्स था, यानी लैंड का एरिया जो था वो फिक्स था कि इतने पार्ट पर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन किया जाएगा. और 1960 से ही जो पालमपुर था वहां पर कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ था लैंड में अंदर द कल्टीवेशन, यानी जो कल्टीवेशन जितने परसेंट लैंड पे किया जा रहा था उतने परसेंट पे ही हो रहा था. कोई भी एक नया एग्रीकल्चर, कोई भी नया लैंड जो था वो एग्रीकल्चर के एरिया में, एग्रीकल्चर के स्फीयर में नहीं उसको ब्रिंग करके कर रहे थे.
then there has been no expansion in land area under cultivation, or by then tab tak some of the wasteland in the village had been converted to cultivable. और मतलब development हुआ, जो wasteland थी यानी कि जो बेकार land थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, convert कर दिया in the cultivable land. तो अच्छा हुआ कि आप जो बेकार की land पड़ी हुई है उसको आपने agriculture के use में लेके आ गए. ठीक है, फिर there exists no further scope to increase farm. अब कोई और उनके पास चांस नहीं था, कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऑप्शन नहीं था कि वो फार्म के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते बाय ब्रिंगिंग द न्यू लैंड अंडर द कल्टीवेशन, क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड है. जितनी लैंड जो उनको लगता था कि भाई अच्छा ये भी ला सकते हैं लाइक वेस्ट लैंड, तो वो तो उन्होंने ले आए, लेकिन उसके अलावा भी ये थोड़ा ना किसी का घर को तोड़ के वो कहेंगे कि इस लैंड को भी इसमें मर्ज कर दो, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल एंड नॉट फिजिबल. तो इसलिए लैंड जो होता है वो फिक्स फैक्टर होता है, जितने आपके पास है यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन दैट लैंड ओनली, है ना. नेक्स्ट आता है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या ऐसा कोई तरीका है कि जो भी गिवन लैंड वहां पर है, आपके पास कोई भी गिवन लैंड है, कितना भी परसेंट है, कितना भी एरिया आपके पास है, आप उसी एरिया में कैसे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने जो आउटपुट है उसको कैसे इनहांस इंक्रीज कर सकते हैं. तो हाँ ऐसा हो सकता है बाय इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करिए. प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, जब आपके जो इनपुट्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के इनपुट्स आप जो है यूज कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में. फिर देखिए जो पालमपुर है इट वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. पालमपुर विलेज जो था वो ऐसा लगता था जैसे जो यूपी का वेस्टर्न पार्ट है. देखिए जो यूपी का वेस्टर्न पार्ट है जिसे पश्चिम प्रदेश भी बोलते हैं, इनफैक्ट इसकी कई बार डिमांड उठती है और अभी भी उठ रही है और उठती रही है हमेशा कि हमको सेपरेट, हमें यूपी से अलग कर दीजिए क्योंकि हम बाकी के यूपी से बहुत बेटर है. तो हरित प्रदेश अपनी डिमांड कर रहा है, पूर्वांचल अपनी डिमांड कर रहा है, पश्चिम प्रदेश अपनी डिमांड कर रहा है जिसे वेस्टर्न यूपी बोलते हैं, और जो पंजाब के एरियाज हैं ये लोग भी अपने अपने डिमांड्स रख रहे हैं. क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं हम लोग बेटर हैं, बेटर ऑफ कंडीशंस में है जो हमारे हम जो फार्मर्स हैं हम बेटर हैं देन द जो अदर फार्मर्स हैं, जो अदर मतलब जो यूपी के अदर फार्मर्स हैं. क्यों, क्योंकि हम लोग बेटर टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में यूज होती है, जो बेटर फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, जो भी एडवांसमेंट एग्रीकल्चर में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं. देन ऑल लैंड जो है इट इज कल्टिवेबल इन पालमपुर, सारी लैंड जो है वो पालमपुर में कल्टीवेट की जाती है, मतलब उस पर खेती की जाती है. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी ऐसी लैंड नहीं है जो वहाँ पर बेकार पड़ी हुई है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी खरीफ जो सीजन आता है, देखिए एग्रीकल्चर जो मतलब एग्रीकल्चर के क्रॉप तीन क्रॉप सीजन होते हैं, रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड ज़ैद सीजन जिसे मानसून सीजन भी बोलते हैं. तो रेनी सीजन के टाइम पे जो फार्मर्स होते हैं उनको क्या उगाते थे, वहाँ पे ज्वार और बाजरा का कल्टीवेशन करते थे. ठीक है, ये जो प्लांट्स थे ज्वार बाजरा ये मेनली क्या करते थे, कैटल फीड में काम आते थे. और इसके बाद वो क्या कल्टीवेट करते थे, पोटैटो बिटवीन द अक्टूबर एंड दिसंबर, और विंटर्स के मौसम में वो लोग जो पोटैटो का क्रॉप है, पोटैटो का जो मतलब फूड आइटम है उसको वेजिटेबल है उसको कल्टीवेट करते थे. इसी विंटर सीजन यानी जब रबी सीजन आता था विंटर में तो फील्ड्स में क्या उगाया जाता था, वीट उगाते थे क्योंकि रबी जो है वीट जो है वो रबी क्रॉप है. और फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस, और वीट से वो लोग क्या करते थे, फार्मर्स अपने लिए जितनी जरूरत होती थी अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए उतना वो लोग उसको स्टोर करते थे, रखते थे. और जो भी सरप्लस यानी कि जो भी उनको लगता था कि ये तो ज्यादा अनाज है, मतलब ये तो हम लोग इतना मतलब नहीं यूज कर पाएंगे, हमारे यूज के बाद ये बच रहा है, उस सरप्लस को वो लोग क्या करते थे, मार्केट जो थी रायगंज में वहां पर सेल आउट कर देते थे. अब जो पार्ट था लैंड एरिया का इट इज ऑल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन, कुछ एरिया जो था लैंड का वो शुगर केन वहां पर उगाई जाती थी, मतलब गन्ना भी उगाया जाता था, कल्टीवेट किया जाता था. जो हार्वेस्ट कब करते थे, साल में एक बार, क्योंकि गन्ने का जो फसल होता है शुगर केन का वो बहुत लंबा टाइम लेता है. ठीक है, फिर शुगर केन जो था अपनी रॉ फॉर्म में या जैगरी जिसे गुड़ कहते हैं उसको भी बेचा जाता था ट्रेडर्स इन द शाहपुर, यानी जो आसपास की मार्केट थी ना वहां पर ये लोग अपना जो सरप्लस इनके पास फूड आइटम्स होते थे, जो इनका प्रोडक्शन होता था उसको वहां पर सेल आउट कराते थे. ठीक, फिर नेक्स्ट आता है, अब देखिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जिसे हम लोग हरित क्रांति बोलते हैं, तो ये 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन फार्मर्स के लिए, और इसमें मेनली जो फोकस जिन क्रॉप्स को फोकस किया गया था वो थी वीट एंड राइस. ठीक है, और यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, हाई यील्डिंग वेराइटीज जो सीड्स थे यानी कि HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया था, ये एडवांस सीड्स थे और काफी यहाँ पर मतलब काफी बेटर तरीके से फार्मिंग की गई थी. ठीक है, अब देखिए इस डिस्कशन को मैं आगे ले जाने से पहले आपको एक चीज क्लियर करती हूँ कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए.
हम ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो है इंडिया में, उनको बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन। नाम नोट कर लीजिएगा, एम एस स्वामीनाथन ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एम एस स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, NORMAN नॉर्मन, BORLAUG बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग दुनिया में, वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, और एम एस स्वामीनाथन जो है वो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं, मतलब वो ही ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अब जो ट्रेडिशनल यानी जो पुराने टाइप के जो कन्वेंशनल सीड्स यूज हो रहे थे उनकी जगह पर HYV सीड्स जो थे वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे थे, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन जो था एक सिंगल प्लांट पे उसको कल्टीवेट कर रहे थे। एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है, जो उसी यानी कि आपके पास जो भी लिमिटेड फिक्स लेंथ थी उसी पर आप इस अच्छे वैरायटी के सीड्स को यूज़ करके अपने प्रोड्यूस जो था उसको अपना लार्जर क्वांटिटीज में उसको आप मतलब कल्टीवेट कर पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब HYV सीड्स जो थे ये बहुत ज़्यादा, अब देखिए इन सीड्स के लिए आपको जो पानी की क्वांटिटी थी, जो वाटर की अवेलेबिलिटी थी वो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए थी, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनका भी बहुत अबेंडेंटली बहुत ज़्यादा तरीके में यूज़ हुआ, उसका भी बहुत अनलिमिटेड यूज़ किया गया, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए थे टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट, मतलब जिसे बोलते हैं ये इनऑर्गेनिक टाइप था, अनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हुआ था। हायर यील्ड्स जो थे वो पॉसिबल हुए थे ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अब हायर मतलब अगर आपको आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो वो कब मिलेगा, जब आप क्या यूज़ करेंगे, HYV सीड्स यूज़ करेंगे, अच्छी बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। देन फार्मर्स जो थे पंजाब के, हरियाणा के और वेस्टर्न यूपी के, दे वर द फर्स्ट, इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इंडिया में। और जो फार्मर्स थे, देखिए ये यहाँ पर आप फोकस कर लीजिएगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो यहाँ पर मेनली इन तीन ही एरियाज में था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, यूपी भी पूरा नहीं था, वेस्टर्न यूपी था। और जो फार्मर्स थे इस रीजन्स के, उन्होंने ट्यूबवेल सेट किए इरीगेशन के लिए, और HYV सीड्स यूज़ करना शुरू किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया फार्मिंग में। कुछ जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, दे बाय द फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, कुछ फार्मर्स ने जो फार्म मशीनरीज थी लाइक ट्रैक्टर्स थे और जो थ्रेशर मशीन थी उसको इस्तेमाल किया, और इससे जो प्लफिंग और हार्वेस्टिंग था वो बहुत फास्ट होने लगी, और इससे जो उनका जो रिवॉर्ड था हाई यील्डिंग जो थे मतलब यील्ड जो थी उनका आउटपुट जो था वो वीट में बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ के चलना है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था इंडिया में, इसका जो मेन बेसिक था, फंडा था, वो ये था, ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे काम करता था ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, TRICKLE, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब ये होता है, आप कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे दीजिए, कुछ लोगों को फैसिलिटी दे दीजिए, जब वो लोग ट्रेड हो जाएंगे तो बाकी के जो अभी अनट्रेंड है जिनको अभी ट्रेनिंग नहीं दी गई, वो जो ट्रेंड पीपल है वो उन सारे लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से कॉस्ट मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये, कि ट्रिकल डाउन मतलब वो लोग बाकी के जो एरिया रहेगा उनको ट्रिकल डाउन मार्क पर पहुंचा देंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, जो ये एरियाज थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के, कि इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को एडवांस्ड किया एग्रीकल्चर में, पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो पाया था यहाँ पर। और बाकी के जो एरियाज थे जो अभी भी मतलब जो उस टाइम 1960s में रेन फेड एरिया थे, जो रेन पे ही डिपेंड थे, मानसून पे डिपेंड थे एग्रीकल्चर के लिए, उनकी कंडीशन वही सेम रही, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। ओके, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, जो पार्ट 3 है वो हम नेक्स्ट आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।